हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉबी हॉलिक डायरीज। तो आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। और आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। तो आजकल सभी के फास्ट चल रहे होंगे नवरात्रि के। कुछ लोग 9 दिन रखते हैं, कुछ लोग जोड़ा रखते हैं। तो आप लोग क्या क्या खा रहे हैं फास्ट में? व्रत के तो अनेक व्यंजन बनाते हैं काफ़ी लोग। तो मैं भी यहाँ पे आज आपके साथ कुट्टू के पकोड़े शेयर कर रही हूँ। कुट्टू के पकोड़े के लिए मैंने यहाँ पे 4 उबले हुए आलू छोटे पीसेस में कट करके ले लिए हैं और उसमें से 1-2 आलू मैश कर लिए हैं। हम इसमें एक एक करके बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च, एक बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया। फिर हम ऐड करेंगे काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, ये सेंधा नमक। अब यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा लिया है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही गाढ़ा। तो देखते हैं। अब 1 चम्मच पहले डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे, वो देखेंगे हम कितना ज़रूरत है उस हिसाब से इसमें हम ऐड करते जाएंगे। तो पहले हम सूखे मिक्सचर को ही, ये पूरा जो मिक्सचर है हमारा, इसको हल्के हाथों से ही ऐसे मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे लेकिन बाद में। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और देखेंगे कैसा ये मिक्सचर रेडी होता है। और साथ साथ इसको हल्के हाथों से मिक्स भी कर लेंगे जिससे कि सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप, ना तो ये पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद नमक डालने की वजह से थोड़ा सा ये ढीला हो जाता है मिक्सचर, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। अब देखिए इस तरह से हमारे पकौड़े तो वैसे भी शेप हो ही रहे हैं। तो ये हमारा मिक्सचर अब बनके रेडी हो चुका है डीप फ्राइंग के लिए। तो अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है और ये पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से। साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी हमें छोटा बड़ा चाहिए उतने बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के हम पकोड़े फ्राई कर सकते हैं। और धीमी आंच पे ही सेकने हैं जिससे कि अंदर तक ये फ्राई हो जाए। तो पकोड़ों को धीरे धीरे टर्न करके और धीमी आंच पे फ्राई करते रहेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए पकोड़े भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं किसी डिश में। देखिए फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अब मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो बताइए, मैं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और उसमें से आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है।
फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगी। देखिए कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं, अब इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, गरम गरम कूटू के पकौड़े तैयार है। इस तरह से आपको देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, और अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए आपको आवाज़ भी आएगी। तो अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको पकौड़ों को दही के साथ सर्व किया है, जिसमें सेंधा नमक और काली मिर्च है। वैसे आप हरी चटनी के साथ भी इनको खा सकते हैं। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। लेकिन 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 पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नाम का शाउट आउट दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, कूटू के आटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन है, कूटू के आटे की तासीर कैसी होती है? सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गर्मा गर्म कूटू के पकौड़े बनाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।